नमस्कार, मेरा नाम है लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। इंडिया में क्रिकेट का जितना क्रेज है ये तो सब जानते ही हैं, और बात अगर आईपीएल की हो तो फिर ये एक गेम सीरीज नहीं बल्कि एक फेस्टिवल है। तो बस उस लिहाज से फिलहाल तो क्रिकेट के दीवानों के लिए इन दिनों त्योहार चल रहा है। दरअसल आईपीएल 2022 शुरू हो चुका है और मैदान पर चौके छक्कों के साथ गिरते विकेट फैंस के चेहरों पर खुशी और उदासी लेकर आते हैं। क्रिकेट के मैदान पर चेंजिंग ऑफ इमोशंस का जैसे बेस्ट एग्जांपल देखा जा सकता हो। इसी बीच शाहरुख खान की टीम केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हुआ और केकेआर ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया। इसके बाद स्टेडियम में मौजूद शाहरुख खान के बच्चों सुहाना खान और अबराम के साथ बाकी फैंस के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और हमारी इस वीडियो में भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। आईपीएल में केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच मैच के रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुहाना खान और अबराम के साथ एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी नजर आ रही हैं। तीनों केकेआर की जीत का जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा बाकी तस्वीरों में आर्यन खान भी नजर आ रहे हैं। दरअसल शाहरुख खान की टीम केकेआर का मैच देखने के लिए उनके तीनों बच्चे स्टेडियम में मौजूद थे और सभी ने टीम को खूब चीयर अप किया। शाहरुख के वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में अपनी फिल्म पठान की स्पेन में चल रही शूटिंग के बाद वो वापस मुंबई लौटे हैं और शायद अपने बिजी शेड्यूल के चलते ही वो अपनी टीम को चेयर करने स्टेडियम नहीं आ पा रहे, लेकिन उनकी कमी पूरी करने के लिए उनके बच्चे केकेआर के हर मैच में स्टेडियम में मौजूद होते हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म पठान में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। फिल्म पठान अगले साल यानी 2023 में 25 जनवरी को रिलीज होगी। तो वहीं लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान साउथ एक्ट्रेस नयनतारा संग साउथ के ही एक फेमस डायरेक्टर अटली की एक फिल्म की शूटिंग अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।